हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो ड्राई स्किन के लिए है कि आपकी ड्राई स्किन है तो उसकी देखभाल कैसे करें। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो विंटर का सीज़न काफ़ी मुश्किल का होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। कुछ भी लगाओ लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल वो फिर से ड्राई होने लगती है। तो समर के सीज़न में ड्राई स्किन वाले कि जो स्किन होती है नॉर्मल जैसी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती है, लेकिन लोग लापरवाही करने लगते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आज सब छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्राई स्किन वाले की जो स्किन होती है समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, उसमें फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। समर सीजन में हम उसकी केयर कम कर देते हैं, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें उतनी देखभाल समर में भी करना चाहिए। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम का यूज ना करके कुछ ऐसे जो है, मैं आप लोग के साथ एक टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप यूज करेंगे तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहेगा और आपकी स्किन की केयर भी प्रॉपर रूप में होगी। तो उसको जो है मैंने जो बनाया है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, खासकर ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि जो है ये मैंने ड्राई और नॉर्मल के लिए खासकर बनाया है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सा है जो आप नाइट में या डे में कभी भी लगा सकती हूँ। तो आप लोग को बता दूँ कि मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई है, मैं इसे जो है लगभग 2 महीने से यूज कर रही हूँ। जब नहीं यूज करती थी तो उसके पहले अलग सा लगता था चेहरा, लेकिन अभी यूज करने के बाद काफ़ी जो है ग्लो करने लगा है। तो मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ कि आप इसे जो है इस टिप्स को अगर आप आजमाएंगी तो आपके स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा और साथ ही साथ दाग धब्बे भी रिमूव होंगे और आपकी स्किन शाइन करने लगेगी। तो उसको बनाने के लिए मैंने इन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया है। तो उसके लिए कोई साफ़ सुथरा कंटेनर लेना होगा, तो यहाँ पर मैं इसको ली हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मैंने इसे बनाया था और इसे यूज कर लिया है, तो अभी मैं फिर से बना रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले आलमंड ऑयल, ये बादाम रोगन ऑयल है, तो इसको हम 5 से 7 ड्रॉप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको डालेंगे। उसके बाद एलोवेरा जेल पतंजलि का, ये येलो कलर का जो आता है केसर चंदन वाला, उसको हमने 1 चम्मच लगभग डाल लिया है। अब जो है 1 चम्मच के लगभग ग्रीन वाला एलोवेरा डाल लेते हैं। अगर आपके पास एक है तो एक ही भी यूज कर सकती हैं, दोनों नहीं है तो आप एक को स्किप कर सकती हैं। अगर आपके पास आलमंड ऑयल भी नहीं है तो आप बादाम का ऑयल नहीं है तो आप जो है कोकोनट ऑयल भी मिक्स इसमें डाल सकती हैं, या तो विटामिन ई की कैप्सूल। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आप रख के नाइट में लगा सकती हो। इस तरह मिक्स करने के बाद क्रीम के रूप में बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसे आप नाइट में भी लगा सकती हो, डे में भी लगा सकती हो, जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे को पोषण की ज़रूरत है तो आप इसे यूज कर सकती हो। और जब भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आप हफ्ते में एक बार इस छोटे से फेस पैक के स्टेप को लगा सकती हो। यहाँ पर मैंने छोटे ये बाउल में थोड़ा सा ये लिया है मलाई दूध का, और उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर एक पतली लेयर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हाथों से धीरे धीरे रब करके इसे निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन की जो ड्राई स्किन वालों की बहुत ज़्यादा पपड़ी सी जम जाती है, वो भी इसके साथ मिक्स होकर निकल जाएगी। तो ये जो है आप विंटर में भी कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले के लिए बहुत अच्छा ये छोटा सा फेस पैक है। तो मैं इसे तो ये क्रीम जो हमने बनाई है इसे मैं अभी लगाई हुई हूँ, तो ये मेरा ख़त्म भी हो गया था, तो आप लोग के लिए शेयर भी कर दी इसको बना के। तो और
यहाँ पर जो मैंने फेस पैक बनाया है, अगर आपकी स्किन पर, ड्राई स्किन पर बहुत ज़्यादा कभी कभी पपड़ी सी जम जाती है, ऐसा रूखा हो जाता है, तो उसके लिए ये छोटा सा, इस छोटे से स्टेप में ये फेस पैक बनाया है। तो इसे आप लगा लोगे 10 मिनट के लिए, छोड़ देने के बाद आप धीरे धीरे हल्के हाथों से रब करके निकालिए, तो उसके साथ पपड़ी भी निकल जाएगी और आप इसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और सफल हो जाएगी। तो ये जो रेमेडी है फेस पैक वाली, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे जब चाहे आप कर सकते हैं। तो इस स्टेप को आप जो है विंटर में भी कर सकते हो, विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है ड्राई वालों की, तो आप इसे लगाकर अपनी स्किन को अच्छा से केयर कर सकते हो। तो इसको मैं अपने हाथों में लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है क्रीम को लगाई हुई हूँ, तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। तो इस तरह आप हाथों पे ऐसे लगा के 10 मिनट छोड़ देंगे, जब ये सूख जाएगा तो आप धीरे धीरे रब करेंगे, तो इसके साथ आपकी स्किन पर जो ऊपर की जो पपड़ी जमी होती है रूखीपन की वजह से, वो भी इसके साथ निकल जाएगी। तो हम जो है अपनी स्किन की अगर प्रॉपर रूप में केयर करेंगे, तो आपकी स्किन जो है काफ़ी स्मूथ, सफल और सॉफ्ट रहेगी, और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर अलग सा ग्लो भी रहेगा और आपकी स्किन पर निखार रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी और अन्य चीज़ पर वीडियो बनाना, तो आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।